दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने लीवर को मजबूत स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। कुछ ऐसे फल हैं जिसे खाने से लीवर बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाता है। जिनका लीवर कमज़ोर है, खाना नहीं हजम हो पाता है, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है उनके पेट में, तो उन्हें क्या खाना चाहिए जिससे उनके जो लीवर की प्रॉब्लम है वो आसानी से दूर हो सके। गाइस हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे शरीर में लीवर होता है उसका क्या क्या काम है। जैसे कि फर्स्ट ये है कि लीवर हमारे शरीर में भोजन को पचाने से लेकर जो पित्त होता है उस पित्त का काम भी करता है। अनागैस लीवर हमारे शरीर में इन्फेक्शन संक्रमण से लड़ने के साथ साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है मल के द्वारा। हमारे शरीर में फैट बनता है, चर्बी बनता है, उसे कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोर तक उसके स्टोर तक पहुँचाने का भी काम करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम लीवर ही करता है। आप लोग को बता दें कि लीवर हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो गंदा ब्लड होता है, उसको क्लीन कर साफ करता है। जब लीवर में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आदमी बीमार पड़ने लगता है। किसी का भी फोकस इस चीज़ पे नहीं जाता है। किसी को वीडियो बेकार लगेगा, तो कोई किसी को बोरिंग लगेगा, किसी को अलग अलग ही च्वाइस देखनी है। जो मेन हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है, किस चीज़ से लोग बीमार होते हैं, किस हमको मजबूत रखना चाहिए, कोई इस पर फोकस नहीं करता है। हमें पाचन के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, विषैले पदार्थ को निकालने के लिए जब इतनी सारी मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना हम अपने लीवर को स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हम अपने लीवर को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें खाने से हम अपने लीवर को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, पहला है पपीता। पपीता भी हमारे लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा होता है। रहेगा आप हफ्ते में 2 से 3 बार पपीता ज़रूर खाएँ। गाइस हम आपको बता देते हैं, दूसरा है नींबू। जी हाँ, रोज़ाना सुबह नींबू पानी पीने से पेट भी साफ रहता है, पोटी भी अच्छी होती है, तो आप सब जानते हैं। साथ ही नींबू पानी पीने से चर्बी भी कम होता है। नींबू पानी पीने से जो हमारे लीवर में गंदगी रहती है वो भी आसानी से साफ़ हो जाती है। विटामिन डी और लिमोनिन नामक एक तत्व होता है जो कि विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। और तीसरा है गाइस लहसुन। लहसुन में मौजूद एंजाइम तत्व एक्टिव हो जाते हैं जिससे हमारे लीवर को ताकत और एनर्जी मिलती है। जी हाँ गाइस, चौथा है ग्रीन टी। ग्रीन टी को भी पीने से शरीर में जमे विषैले पदार्थ, गंदगी सब बाहर निकल जाती है, इसलिए लीवर बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना रहता है। और पांचवा है हल्दी। हल्दी तो हर घर में, हर किचन में आसानी से मिल जाती है। हल्दी के गुड़ भी आप सभी लोग जानते हैं। हल्दी का सेवन करने से हमारे लीवर की सफाई होती है, पेट की सफाई होती है, इससे दर्द भी दूर होता है, अच्छी नींद भी आ जाती है, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अपने लीवर को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने के लिए हल्दी का सेवन करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो 5 चीज़ें हमने आपको बताया है, 5 चीज़ ऐसे हैं जो कि आपके लीवर को, आपके किडनी को, आपके शरीर को, आपके जोड़ों के दर्द को मजबूत, स्ट्रांग और लीवर को मजबूत बनाए रखने के लिए। आप आधा चम्मच हल्दी ले लें और 1 गिलास पानी ले लें, उसमें हल्दी को अच्छे से खूब पका लें। गर्म पानी जब आप खौलने लगे तो पानी को बंद कर दीजिए। जब पानी एकदम ठंडा हो जाए तो उसी पानी को आपको पीना है, ठीक है। हल्दी वाला पानी गर्म करके उबाल के पीना है, इससे लीवर की गंदगी साफ होगी, खून साफ होगा, दर्द नहीं होगा। अगर महिलाएं ऐसा करती हैं तो उनको जो मासिक धर्म आता है ऐसी परेशानी भी नहीं होगी, जोड़े का दर्द भी दूर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा उपाय है जिससे कि आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके हेल्थ के लिए है। तो गाइस आज के टिप्स आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हाँ चलिए, ये वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारे मेल आईडी पर भी अपने पर्सनली सवाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ किसी एक अलग नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।